कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज लास्ट जो हमारा कम्युनिटी बची है आरएनआईपी प्रोग्राम की, वो है वेस्ट कूटनी, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर पे आती है। और ब्रिटिश कोलंबिया में दो जो कम्युनिटीज आती है, फर्स्ट है हमारा वर्नॉन एंड सेकेंड है हमारा वेस्ट कूटनी। तो वर्नॉन में ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसको आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ पे कौन सी जॉब अवेलेबल है, क्या एनओसी कोड है और कौन कौन से एम्प्लॉयर हायरिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना। सारे लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि जो वेस्ट कूटनी है ब्रिटिश कोलंबिया कम्युनिटी में आता है। और जो मैं सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, वो की थी आरएनआईपी रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो कि बढ़ के 2024-29 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि वहाँ पे बहुत जॉब इन डिमांड है, बहुत सारी हायरिंग चल रही है, इसलिए ये प्रोग्राम बढ़ चुका है। अदरवाइज ये प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट होगी, 2023 में खत्म हो जाता, बट अभी बढ़ गया है। दैट मींस कि वहाँ पे अभी हायरिंग और जो एम्प्लॉय की जो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। सेकंड, मैं आपको बता दूं कि एनओसी कोड का जो वर्जन है वो भी चेंज हो चुका है नवंबर 2022 से। तो अब जो आप एनओसी कोड अपना सर्च करेंगे वो 2021 वर्जन पे ही आप चेक कीजिएगा, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट ही नहीं होगी, फिर आपको फिर से पूरी एप्लीकेशन फिल करनी होगी। आरएनआईपी प्रोग्राम में टोटल 11 कम्युनिटीज हैं, जिनकी मैंने 1 by 1 सभी की वीडियोस बनाई हैं। उनमें से कौन सा अच्छा है एंड कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रोफाइल के लिए कौन सी कम्युनिटी, कौन सा यहाँ पे प्रोविंस सबसे बेस्ट है, मैंने पूरा डिटेल्स में सारी वीडियोस बनाई हैं। होपफुली कि आप सभी को बहुत पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर वीडियोस देखते हैं तो आप, एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग कैनेडा जाने का इजिएस्ट पाथवे देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीजा आ जाए और जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाए। आरएनआईपी प्रोग्राम इसलिए कनाडा गवर्नमेंट ने निकाले थे क्योंकि जितने भी पायलट प्रोग्राम होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए रन होते हैं, एंड जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है वो प्रोग्राम क्लोज कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आरएनआईपी प्रोग्राम इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि जो प्रोविंस की स्मॉल कम्युनिटीज हैं जो अंडर डेवलप है, इसलिए वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो कर सके, उसको अच्छे से डेवलप बना सके, इसीलिए ऐसे जो स्किल्ड फॉरेन स्किल्ड जो वर्कर होते हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाता है ताकि उनको इजी पीआर मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए वहाँ पे इजिएस्ट, अगर कहें कि इसको इजिएस्ट पाथवे है ये कनाडा पीआर के लिए, इससे अच्छा और इससे बेस्ट तो कोई और प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें आप CLB 4 के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका CLB 4 है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो आरएनआईपी के किसी भी प्रोग्राम में। तो वेस्ट कूटनी में अगर आप, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आपको दिखेंगी एंड उनकी वेबसाइट पे। ये सक्सेस स्टोरी क्यों दिखती है, क्योंकि जो वहां की सोसाइटीज होती है, जब आप वहां पे जाते हो पीआर मिलने के बाद, तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं वहां पे सेटल होने पे। अगर आपको होम लोन चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, जो 12th के बाद के जो आपके बच्चे हैं उनके लिए, तो वो लोग हेल्प करते हैं एंड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जो वहां की सोसाइटी होती है, लोकल सोसाइटी, उन सबका गेट टुगेदर करवाता है ताकि वो एक दूसरे को जाने, और जो भी हेल्प होती है वो सोसाइटी पूरी हेल्प करती है, चाहे वो आपके बच्चों के एडमिशन से लेकर हो, चाहे वो आपके घर ढूंढने से लेकर हो। तो ये इनमें सारी हेल्प करती है कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, कहाँ पे अगर आप घर लेंगे तो आपके जो जॉब के लिए है वो बेस्ट होगा। अब वेस्ट कूटनी जो जगह है, वो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये अंडर डेवलप में आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपको रहने के लायक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी इतनी अच्छी चीजें हैं कि लोग यहाँ पे ट्रेवल करना पसंद करते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो लोग देखना चाहते हैं। और यहाँ पे बस ये है कि मेन रीजन क्या है कि जो कनाडा के लोग हैं, जो सिटीजन ऑलरेडी वहाँ के रहने वाले हैं, वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं वो जो मेन सिटीज होती है उनकी तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा कम होती है, इसीलिए वहाँ पे जो लेबर शॉर्टेज होती है, तो इसीलिए प्रोग्राम लॉन्च हुए थे ताकि वहाँ पे लेबर शॉर्टेज ना हो। तो जो भी आरएनआईपी प्रोग्राम से, इसमें बिजनेस भी अगर आपका इंडिया में है या कहीं भी अगर आपका बिजनेस है, तो आप बिजनेस वीजा में भी जा सकते हैं, बिजनेस वीजा भी लगा सकते हैं, पीआर के थ्रू भी अपना बिजनेस वहां पे ओपन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कुछ मैं आपको प्लेसेस बताती हूँ जो प्लेसेस आप वहाँ पे हैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ पे, अगर आपको फैमिली के साथ स्पेंड करना है संडे जहाँ भी जब आपका वीकेंड होता है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्कवर आर रीजन इनके जो एरिया है वहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कास्टिग्लर सिटी ऑफ ट्रेल, डिस्कवर टेलसोन सिटी ऑफ रोजडेन एंड इसके अलावा कैसलो एंड एरिया, ये सारे जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वेस्ट कुडनी में रहने के लिए अगर आप देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। मोस्टली जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो जगह है ना वो बाकी जगहों से ना थोड़ा सा कम ठंड होती है यहाँ पे, हालांकि कनाडा में तो सारी ही जगह ठंड होती है पर ये है कि बाकी के जो एरिया है उनके मुकाबले थोड़ा कम ठंड है यहाँ पे। ये तो मैंने सारा कुछ बता दिया कि वेस्ट कुटनी में कौन सी जगह है, आरएनआईपी प्रोग्राम के बारे में। अब बात करते हैं कि वेस्ट कुटनी में एज ए एप्लीकेंट अगर आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं वहाँ पे तो कैसे लगाएंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। वेस्ट कुटनी के अलावा कुछ और कम्युनिटीज में मीन्स की जो वेस्ट कुटनी के अंदर अगर आप जाएंगे तो कुछ और भी एरिया इंक्लूड है उसमें, वो कौन कौन से आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो ये सारी जगह पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इजिली आरएनआईपी जो प्रोग्राम है उसके थ्रू आपको पीआर मिल सकता है। तो वेस्ट कुटनी का जो सबसे पहले जो स्टेप है वो है एलिजिबिलिटी चेक। तो एलिजिबिलिटी जो चेक होगी आपकी सबसे पहले होगी फेडरल जो क्राइटेरिया है उसके अंदर पे, एंड सेकंड जो होगी वो है कम्युनिटी क्राइटेरिया। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया आपको मीट होने चाहिए तो ही आप नेक्स्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बढ़ सकते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है जो कि आरएनआईपी का जो मिनिमम क्राइटेरिया है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि आप वहां पे जो आपसे रिलेटेड जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफर लेटर मिलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जो आप एम्प्लॉयमेंट जो वहां से आपको लेटर देता है जिसका फॉर्म नंबर है IMM 5984, ये सबमिट करेंगे आप। एंड फॉर्म के साथ जो एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आता है वो भी आप सबमिट करेंगे, जो कि जहां से आपको ऑफर लेटर मिला होता है वो लोग आपको देंगे। तो ये दोनों ही फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करेंगे देन आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है वो सारी कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद सबमिट करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। देन इसके बाद ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ए फॉरेन नेशनल रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट फॉर्म, जो फॉर्म का नेम है IMM 5984, ये आपको चाहिए। इसकी कॉपी आप सबमिट करेंगे और जो भी वहां से आएगी उसका फोटोकॉपी आप सबमिट करेंगे। अब एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? टू कंफर्म द एम्प्लॉयर सपोर्ट फॉर द एम्प्लॉय, आके आपको वहां पे पहुंचने के बाद जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा वो सच में दे रहा है या नहीं दे रहा है ये भी तो चाहिए, वरना आजकल तो फेक ऑफर लेटर तो ऐसे ही मिलता है, विदाउट इंटरव्यू देने के बाद भी आपको ऑफर लेटर बहुत सारे मिल जाएंगे बट वो रियल नहीं होते। और अगर मैं आपको बता दूं फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप कुछ भी लगाते हैं तो आपका जो वीजा रिजेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में आप बैन भी होंगे, तो आप इन सभी से बचिएगा। अब जो फॉर्म मैंने आपको बताया है IMM 5984, ये क्यों चाहिए? टू कंफर्म ए एप्लीकेंट क्वालिफाइंग ऑफर ऑफ अरेंज द एम्प्लॉयमेंट टू वैलिडिटी दैट द एप्लीकेंट मीट्स द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट एंड टू स्क्रीन फॉर द कंसर्न ऑफ फ्रॉड, जो भी फ्रॉड वगैरह हो तो इस चीज से वो डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं, चेक करते हैं, पहले ही बताती हूँ, तो इसलिए मत लगाना आपका करियर खराब हो सकता है। एंड नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ एजुकेशन, और प्रूफ ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, अगर आप कनाडा में हैं ऑलरेडी कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं आपकी एजुकेशन कनाडा से है तो आपको नॉर्मली सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया है वो सबमिट करवा सकते हैं, और अगर आप कनाडा से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ECA एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी होगी, तो इस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता कि ECA क्या होता है कैसे करना होता है तो वो मैं होपफुली की आने वाली वीडियोस में उसके बारे में प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ECA कर सकते हैं घर बैठे आराम से खुद से भी। तो अब यहाँ पे आता है जो नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आपको अब
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको आईएलटीएस नहीं देना, हमको इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं देना, फिर भी हमारा पीआर लगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई आपको ऐसा कमिट कर रहा है कि हम आपका पीआर अप्लाई कर देंगे विदाउट लैंग्वेज टेस्ट, तो वो सरासर झूठ है। आप उस बात पे बिल्कुल मत यकीन करना। आप डायरेक्टली जाके आईआरसीटीसी की साइट पे जाके देख सकते हैं, साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है तो ही आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि लैंग्वेज का टेस्ट तो आपको देना ही देना है, और बिना लैंग्वेज टेस्ट के आप कोई भी पीआर का प्रोग्राम अप्लाई नहीं कर सकते हो। इंग्लिश के टेस्ट के लिए आप सेल्फी या फिर आईएलटीएस का एग्जाम दे सकते हो, दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लग सके दे सकते हो। जो अब इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कॉपी ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा पेज, पासपोर्ट, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स एंड करंट स्टेटस इन कैनेडा। ठीक है, अब इसमें आप पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो कि जो भी आपके पास है, पासपोर्ट की फोटोकॉपी दे सकते हो, जो भी आपका ट्रेवल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है तो आप उसको भी अटैच करके दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिक्स है वो है प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो जितने भी आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप सबमिट करोगे, जिसमें आता है सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, सारी कंपनीज का जितने आप एक्सपीरियंस दिखाओगे सारी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इसके अलावा कम्युनिटी क्राइटेरिया, ये किस लिए चाहिए, ये पीडीएफ में चाहिए, बाकी सब कॉपी में चाहिए, बस सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका पीडीएफ में आपको सबमिट करना है। कम्युनिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जो कम्युनिटीज हैं वेस्ट कोटनी के अंदर जो एरिया है वहां पे आप कहाँ पे रहना चाहते हो, कहाँ पे आपकी कंपनी है, ये चीज आपको वहां पे लिखनी होगी। इसके अलावा आपको ईडीओएस में रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट टू एसेस देयर कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स, तो जो भी आपके और इसके अलावा जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो चीज आप सबमिट कर सकते हो। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट। इसके बाद के जो नेक्स्ट स्टेप है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी पार्ट टू में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग मी।